Newton's second law of motion. Here we discussed Newton's second law of motion. According to Newton's second law of motion, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई की जाए तो उसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो स्पीड और विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड वेलोसिटी में कन्वर्ट होगी, और वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेलरेशन में। तो अगर हम इनडायरेक्टली ये कहें कि जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन, तो और इसी तरह अगर किसी बॉडी का मास जो है वो ज़्यादा होता चला जाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो उस सूरत में क्या होता है कि एक्सेलरेशन कम से कम होता चला जाता है। मास के ज़्यादा होने से स्पीड पर असर पड़ता है। जिस तरह कोई भी बॉडी, उसका वज़न, उसका वेट, उसका मास जितना ज़्यादा होता चला जाएगा उसकी स्पीड, उसका एक्सेलरेशन जो है वो कम होता चला जाएगा, और उसको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अंदर यही बात उसने बताई है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। यानी जिस डायरेक्शन में, जिस सिमत में आपके पास फोर्स लग रही होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है कि एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। अब दूसरी बात क्या उसने कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, कि ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जो मिकदार है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, कि जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, एंड ऑन द बॉडी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और जितना मास ज़्यादा होता चला जाएगा वो उसका इन्वर्स होता चला जाएगा, यानी एक्सेलरेशन कम होता चला जाएगा। मैथमेटिकली हम लोग इसको यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन यानी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, फोर्स के, और एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास के। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, यानी ए जो है वो जॉइंटली प्रोपोर्शन है किसके, फोर्स और मास के, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है ये, इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट लग जाएगा के, के एफ ओवर एम बन जाएगा। अगर हम ये कह दें कि के की वैल्यू लेट कर लें, के इज इक्वल टू वन है, के इज इक्वल टू वन लेट कर लें, तो हमारे पास यहाँ पर एफ इज इक्वल, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम आ जाएगा, और एम यहाँ पर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। यहाँ पर एफ जो है ये एक फोर्स है, ये जो एफ है हमारे पास ये एक फोर्स है, और ये फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, और न्यूटन क्या होता है, वन न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ वन किलोग्राम। तो यहाँ तक ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है।